कल आलू खान सनाप आराधीन खान मुसलमान निवासी बाला ने उपस्थित ऐसी भी चौकी जैसलमेर मेरे समक्ष उपस्थित होकर एक दरख्वास्त पेश की लिखित। उन्होंने बताया कि उनका एक मुरबे पर कब्जा है 217/57 4 RPM, तो उस पर मेरा पुराना कब्जा कास्त है और उस पर मुझे अलॉटमेंट के बाबत मुझे मेरे पक्ष में रेवेन्यू बोर्ड से हिस्ट्री भी जारी हो रखा है, लेकिन पिछले दिनों उस मुरबे को किसी अन्य व्यक्ति को अलॉटमेंट किया गया, तो मैं उपनिवेशन तहसील नाचना द्वितीय में संबंधित बाबू दुर्गाराम से मिला और कहा कि मुझे ये मुरबा मेरे कब्जे का जिसका मेरा अलॉट वो पक्ष में रेवेन्यू बोर्ड का स्टे भी है, ये किसी अन्य को कैसे अलॉट होगा। मुझे उनसे संबंधित जो कागजात हैं और जो कोर्ट में केस चल रहे थे तो उनकी मुझे नकलें दो, तो उन्होंने कहा 5,000 रुपये लगेंगे। फिर मेरी बातचीत हुई तो उस पर उन्होंने 1,000 रुपये मैंने मेरे से एडवांस ले लिए और बाकी 2100 रुपये मैं और तेरे को देने पड़ेंगे, तो कुल 2100 रुपये में से 1,000 मैंने उसी रोज दे दिए और अब वो 2100 रुपये और मांग रहा है। मैं जो है अब ये रिश्वत नहीं देना चाहता और दुर्गा राम योगी से फोन है रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़वाना चाहता हूँ। इस बात का उन्होंने कहा कि ये बहुत सतीर और होशियार है तो सीधे मेरे से बात बार बार करने से उसको शक हो जाएगा, इसलिए टेलीफोन से वार्ता करें। कल टेलीफोन से वार्ता कर उससे मांग का सत्यापन करवाया गया जिसको हमारे ACG के टैप रिकॉर्ड के अंदर उसकी आवाज़ को टैप किया, उसको सुना तो उसमें मांग का सत्यापन बिल्कुल अच्छी तरह से होना पाया गया। आज सुबह उससे मोबाइल वार्ता कराएगी तो उसने कहा मैं घर पर ही हूँ, जिस पर यहाँ मोहनगढ़ में जहाँ उसका पहले पोस्टिंग था उस जगह जो है ये मिला तो इन्होंने कहा कि मैं बस से जाऊंगा नाचना, तो आप वहाँ बस पे ही अपन पैसे अपने लूँगा। जिस पर थोड़ी देर बाद में जब वो वापस आ गया मुस्तगी से तो आलू खान को दोबारा उसने बताया कि मेरा बस से जाना कैंसिल हो गया है, मैं किसी और साधन से जाऊंगा, तुम घर पे आ जा। घर पे बुलाया तो इन्होंने उससे 2,000 रुपये ले लिए, 2,000 रुपये लेके 100 रुपये उनको वापस कर दिए, 2,000 रुपये लेके जेल में रख।